Yeter de o bizim. Bitti bir şey yok. Madam, madam, bitti. पूरा मौका देंगे यार। चलो चलो ये बाद में ना सर वो नीचे सारे है ना वही करनाल साध्वी और बंदूक मामले में जो है आज साध्वी को कड़ी सुरक्षा पहरे में जो है साध्वी ने सरेंडर किया है और इसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल कोर्ट में जो है साध्वी को कड़ी सुरक्षा पहरे में जो है उसके सरेंडर करने के बाद उसको हिरासत में ले लिया गया और करनाल की कोर्ट में जो है यहाँ पर पेश किया जा रहा है। इसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं कोर्ट में काफी सुरक्षा का कड़ा पहरा है और हरीश अग्रवाल जो सिविल जज है उनकी कोर्ट में जो है साध्वी को पेश किया गया है। हालांकि साध्वी द्वारा जो है सरेंडर करने की खबर है, उसके बाद जो है करनाल पुलिस द्वारा उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि 3 दिन से लगातार जो है करनाल पुलिस जो है साध्वी की तलाश कर रही थी, जगह जगह छापेमारी की जा रही थी, लेकिन आखिरकार जो है साध्वी द्वारा खुद ही सरेंडर कर दिया गया, जिसके बाद जो है करनाल पुलिस गिरफ्तार कर आगे शामिल तफ्तीश करेगी। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, इसमें मेरा कहीं कोई कसूर नहीं है और मैं मेडिकली अनफिट हूँ बिल्कुल, और मुझे अभी मेडिकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारी वहाँ से जितनी गाड़ियाँ थी सब ले आए हैं सब लोग और हम वेरी गोलियाँ लेकिन चलाई आपके साथियों ने और आपने देखी नहीं हमने कोई गोलियां इस तरह से कुछ ऐसा नहीं हुआ और ये एक षड्यंत्र के तहत एक पूरा षड्यंत्र। लेकिन महिला की मौत पे दुख जताएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सावधाना बहुत दुख है कि किसी की मौत हुई और उस फंक्शन में मैंने और विक्की हमारे अपने किया क्योंकि कल उनके मंदिर को भी पुलिस ने ताला लगा दिया था, उनके घर वालों को भी ठोक सकती है, उस वजह से उन्होंने क्योंकि समझते हुए कि मैं निर्दोष हूँ, कानून व्यवस्था में विश्वास था, उन्होंने आपने सरेंडर किया और पुलिस कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन रन करने के बाद उनको बाकी और सभी साथी इन्होंने अरेस्ट किए जाएंगे। आशंका है, आशंका क्या उनको ये है कि एक साथी इनका जिसके हाथ से जो गोली चलने का जो वाक्य जो समझा जाता है वो पुलिस ने ऑलरेडी उसको अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन अभी उसको तो असला सबका जब्त किया जाएगा जो गाड़ी है दोनों गाड़ी दोनों गांव से ऑलरेडी पुलिस रिकॉर्ड कर चुकी है। क्या नाम आपका? कैलाश। तो ये सरेंडर किया इन्होंने? सरेंडर किया।